नमस्कार। और आज हम खड़े हैं एक ब्रिटिश हैचबैक के सामने जिसका नाम है मिनी कूपर एस। 1961 में लॉन्च हुई थी और ये 7th जनरेशन आप देख रहे हैं। पेट्रोल डीजल 3 डोर और 5 डोर में आती है, शुरू होती है 33 लाख से और टॉप मॉडल की कीमत है 37 लाख रुपीज़। ये कूपर एस 3 डोर आप देख रहे हैं जिसकी कीमत है 34 लाख। बोनट स्ट्राइप्स हैं जिनकी कीमत है 19,000 रुपीज़। बोनट पे एयर स्कूप है, नीचे एयर डक्ट्स हैं ब्रेक्स को ठंडा करने के लिए। और ये हैं बाई LED हेडलाइट्स DRL के साथ। कॉर्निंग लाइट्स लेंगे तो उसके लिए 26,000 रुपीज़ अलग से देने होंगे। मिनी कार के डिज़ाइनर एलेक इसिगोनिस के फ्रेंड थे जॉन कूपर, जिनकी थी कूपर कार कंपनी। वो रेसिंग कार्स बनाते थे तो उन्होंने मिनी कूपर भी बनाई रैली रेसिंग के लिए। मिनी एक कार का नाम था जो ब्रिटिश मोटर कॉरपोरेशन बनाती थी 1959 से। उसको फिर ब्रिटिश लेलैंड ने ख़रीदा 1968 में, उनसे रोवर ग्रुप ने ख़रीदा 1986 में और उनसे 2000 में फिर BMW ने ख़रीदा। 2000 में ये मिनी का पहला मॉडल था और उसी साल जब ये लॉन्च हुई थी कार तो उसी के आसपास उसी साल जॉन कूपर की डेथ भी हुई। सन 2000 के हिसाब से ये 3rd जनरेशन है। 3.8 मीटर लेंथ है, 1.4 मीटर हाइट है, 1250 kg कर्ब वेट है। और ये हैं 17 इंच के कॉस्मोस स्पोक ब्लैक एलॉय व्हील्स जिसकी कीमत है 85,000। दो और डिज़ाइंस के ऑप्शंस हैं, फ्री में 16 इंच एलॉयज आएंगे, आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिलेंगे। जॉन कूपर वर्क्स ट्यूनिंग किट और परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट है मिनी का। मिनी वन या मिनी हैच भी बोल सकते हैं कूपर एस को। UK और नीदरलैंड्स में असेंबली होती है। BMW के UKL 1 प्लेटफॉर्म पर बनी है कूपर। UKL का फुल फॉर्म होता है उन्तेरे क्लास, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है लोअर क्लास। ये ब्लैक रूफ आप देख रहे हैं, वाइट और बॉडी कलर का भी ऑप्शन है। ये वाइट पेंट है, ऑरेंज रेड ग्रीन ब्लैक ब्लू ग्रे और सिल्वर का भी ऑप्शन है जिनके लिए आपको 63,000 रुपीज़ देने होंगे। लैपिस लग्जरी ब्लू कलर के लिए 1,30,000, फ्री में सिर्फ मूनवॉक ग्रे कलर आएगा। 3 ड्राइव मोड्स हैं और ये जॉन कूपर वर्क्स की बैजिंग। पैनारामिक इलेक्ट्रिक ग्रास सनरूफ के लिए 1,30,000 रुपीज़ देने होंगे, इसमें अभी सनरूफ नहीं मिलेगी। जॉन कूपर वर्क्स स्पॉइलर लेंगे तो उसके लिए 32,000 रुपीज़ देने होंगे। और ये जॉन कूपर वर्क्स के डुअल एग्जॉस्ट टेल पाइप्स बेहतर साउंड के लिए। सेफ्टी के अंदर 2 एयरबैग्स, ब्रेक असिस्ट, क्रैश सेंसर, ABS, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, रियर पार्क डिस्टेंस कंट्रोल, रन फ्लैट टायर्स और सारी सीट्स में 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलेंगी। आगे पीछे पार्क डिस्टेंस कंट्रोल लेंगे तो उसके लिए 70,000 रुपीज़ देने होंगे। डायनेमिक डैम्पर कंट्रोल के लिए 85,000 रुपीज़ देने होंगे। कंफर्ट एक्सेस सिस्टम है, बिना की टच करे कार लॉक अनलॉक होगी, उसके लिए 47,000 रुपीज़ देने होंगे। रूफ रेल्स लेंगे तो उसके लिए 35,000 रुपीज़ देने होंगे। ऑटोमेटिक एंटी डेजल ORVM और रियर व्यू मिरर लेंगे तो उसके लिए 63,000 रुपीज़ देने पड़ सकते हैं। आइए पीछे का बूट खोलकर देखते हैं। तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, हाथ से ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको मिलती है 211 लीटर की बूट स्पेस, सीट फोल्ड करने पर 731 लीटर की स्पेस बन जाएगी। और इसको उठाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट एड किट है, टूल किट आएगी, हाथ से ही क्लोज करना पड़ेगा बूट। आइए पैसेंजर साइड डोर से लुक देखते हैं। स्पोर्ट सीट्स हैं, सर्वोट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिलेगा। आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं। तो यहाँ डोर पे पियानो ब्लैक ट्रिम मिलेगी, डोर पे सिल्वर ग्रे वाइट वुड और फाइबर अलॉय का भी ऑप्शन है। मिनी योर्स ट्रिम लेंगे तो उसके लिए 50,000 से लेकर 65,000 रुपीज़ देने पड़ सकते हैं।
और ये है 12 स्पीकर्स हार्मन कार्डन सिस्टम जिसकी कीमत है 1,20,000 रुपीस। नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम का भी ऑप्शन है बट इसमें 1,20,000 रुपीस के हार्मन कार्डन सिस्टम लगे हैं। नीचे भी थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है डोर के। और ये हैं शानदार फ्रेमलेस विंडोज। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। और ये है मिनी कूपर एस की स्कफ प्लेट। और ये ब्लैक लेदर ईट अपॉल्स्ट्री आप देख रहे हैं, ब्लैक लेदर या क्लॉथ का भी ऑप्शन है। व्हाइट, ब्राउन या JCW स्पोर्ट सीट्स लेंगे तो उसके लिए 1,30,000 रुपीस से लेकर 1,85,000 रुपीस तक देने पड़ सकते हैं। ये सीट के कंट्रोलर्स हैं। सीट को आगे कर लेते हैं। तो ऐसे दिखते हैं पीछे की सीट्स। बीच में डिवाइडर है, दो हेडरेस्ट मिलेंगे। बीच में बॉटल होल्डर पे दिया गया है। स्पीकर्स हैं और साइड में भी यहाँ बॉटल होल्डर एक और दिया गया है, उस तरफ भी दिया गया है। आर्मरेस्ट भी हैं और इससे आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं पीछे जाने के लिए। सीट को पीछे कर लेते हैं। और ये एसी वेंट्स, ये लाइट के कंट्रोल्स हैं। और ये शानदार डिज़ाइन में पेडल्स, ये बोनेट खोलने के लिए। और ऐसे दिखता है डैशबोर्ड। हेड अप डिस्प्ले के लिए 80,000 रुपीस देने होंगे। थ्री स्पोक लेदर एप स्टेयरिंग व्हील है। और ये आर्मरेस्ट, ब्लूटूथ मोबाइल प्रिपरेशन आर्मरेस्ट लेंगे तो उसके लिए 37,000 रुपीस देने होंगे। हैंड ब्रेक और ये इंफोटेनमेंट का कंट्रोलर ऑप्शंस और ये चीज़ें। और ये है 6-speed ऑटोमेटिक स्टेप्टॉनिक ट्रांसमिशन। स्पोर्ट स्टेप्टॉनिक ट्रांसमिशन लेंगे तो उसके लिए 26,000 रुपीस देने होंगे। और ये स्पोर्ट और ग्रीन ड्राइव मोड्स के लिए ऐसे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये है जॉन कूपर वर्क्स ब्लूटूथ ट्रैक मोड बटन, काफ़ी अलग और अट्रैक्टिव चीज़ है ये। दो ग्लास होल्डर्स दिए गए हैं। और यहाँ पे ऑक्स, यूएसबी और लाइटर, लाइटर। और ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और साथ में कंट्रोल्स। और ये ऑटोमेटिक एसी। और ये है इंफोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा एफएम, रेडियो, फ़ोन और व्हीकल इंफॉर्मेशन और कई म्यूज़िक ऑप्शंस। वायर्ड पैकेज लेंगे तो उसके लिए 2,00,000 रुपए देने पड़ेंगे। उसमें नेविगेशन और थोड़ा अच्छा ब्लूटूथ और थोड़ा सा लुक्स चेंज होंगे। सेटिंग्स और व्हीकल इंफॉर्मेशन। देखिए लाइट्स भी चेंज हो रही हैं इसकी। रिंग में जो लाइट है वो अभी ग्रीन हो गई है और काफ़ी अट्रैक्टिव है ये। रात को तो इसको देखने का फील थोड़ा सा और अलग होगा। एम्बिएंट लाइटिंग भी है। शानदार फिनिश दी गई है डैशबोर्ड पे, चेकर्ड फ्लैग जैसी। और ये 1,20,000 रुपीस का हार्मन कार्डन म्यूजिक सिस्टम। स्पीकर्स और यहाँ पर भी स्पीकर्स, 12 स्पीकर्स का सिस्टम है। और ग्लो बॉक्स के अंदर भी थोड़ी स्पेस है। और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, दो लाइट्स मिलेंगी। रियर व्यू मिरर, रीडिंग लाइट्स हैं।
सनरूफ नहीं मिलती है, सनरूफ के लिए 1,30,000 रुपीज़ अलग से देने होंगे। ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, और ये है जॉन कूपर वर्क्स स्पोर्ट लेदर स्टेयरिंग व्हील। मिनी योस स्टेयरिंग व्हील लेंगे तो उसके लिए 32,000 रुपीज़ देने होंगे। और ये क्रूज कंट्रोल, मिनी की बैजिंग, ये वॉइस और फ़ोन कंट्रोल, ये पैडल शिफ्टर्स, ये वाइपर के कंट्रोल्स, और ये हैं लाइट के कंट्रोल्स, और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा एवरेज रेंज टाइम और एवरेज स्पीड। काफ़ी छोटा सा प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आइए अब फ्रंट का बोनेट खोलते हैं, दो बार इसको उठाना पड़ता है। देखते हैं, फोर सिलेंडर 2000cc पेट्रोल इंजन, 192 हॉर्स पावर है, 280 Nm टॉर्क है, 0-100 की स्पीड पकड़ेगी 6.7 सेकंड्स में, 233 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, और 15 का एवरेज मिलेगा 44 लीटर के फ्यूल टैंक से। ट्विन पावर टर्बो, जॉन कूपर वर्क्स की भी बैजिंग है, डीजल में 1500cc इंजन आएगा जिसकी होगी 114 हॉर्स पावर और 270 Nm टॉर्क, और उसका एवरेज होगा 21 का, और ये पेट्रोल इंजन आपको देगा 15 का एवरेज और साथ में 192 हॉर्स पावर। कैसी लगी आपको मिनी कूपर एस, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।